हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फाइटर कपल। आज हम एक नई रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं। मैं बनाने जा रही हूँ ग्रेवी मिक्स वेज। तो उसके लिए मैंने कुछ सब्जी ली हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि इतनी ही अवेलेबल हैं लॉकडाउन के टाइम। तो देखते हैं हमने क्या क्या लिया है। पर वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, कटा हुआ मशरूम, कटी हुई बीन्स, कटा हुआ आलू, कटी हुई शिमला मिर्च, कटे हुए टमाटर और कटा हुआ प्याज। और यहाँ पे मैंने कुछ लिए हैं मसाले, जैसे कि आप देख सकते हैं कटी हुई हरी मिर्च है, साबुत जीरा है, हल्दी है, भुना हुआ जीरा पाउडर है और ये कुछ मसाले हैं जो मैंने घर पे ग्रेट किए थे। और ये धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला है और ये नमक है। तो चलिए अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने पहले ही पैन गरम कर लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। मैंने इसमें ये फुल ऑफ स्पून ऑयल डाला है जी। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि कई बार क्या होता है हम जीरा पहले डालते हैं तो जीरा हमारा जल जाता है और जीरे का अपना फ्लेवर नहीं आ पाता। अब क्या है, जीरे का फ्लेवर पूरा आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन, इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये जब थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर देगा तब तक हमें इसे फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले ही हम इसमें टमाटोज ऐड कर देंगे ताकि अनियन और टमाटोज एक साथ ही भुन जाएं। अब हम इसमें टमाटोज ऐड करेंगे। ऐड करेंगे हल्दी, नमक, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें घर पे बना हुआ मसाला डाल दिया है, बाकी के जो मसाले हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें चॉप्ड हरी मिर्च भी डाल देंगे। और आप एक चीज़ का खास ख्याल रखिए, इसे धीमी आंच पर ही पकाइए क्योंकि तेज आंच पर ही जल जाएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारा तड़का ऑलमोस्ट पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू हम सबसे पहले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो बाकी सब्जियां हैं वो मैंने काट के फ्रीजर में प्रिजर्व की हुई थी। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो सब्जियां मार्केट में अभी इतनी ज्यादा अवेलेबल भी नहीं है, तो हमने पहले ही रखी हुई थी। तो फ्रीजर से निकली हुई सब्जी वैसे भी थोड़ा जल्दी पक जाती है, पर आलू है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ढक देंगे, आलू को पकने में लगभग 5 मिनट लग जाएंगे, 5 से 7 मिनट। और अगर आपको ये जानना है कि हमने सब्जियां काट के कैसे प्रिजर्व की हुई हैं फ्रीजर में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। सो गाइस, टाइम थोड़ा सा हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं आलू पक या नहीं। तो हमारे आलू पक गए हैं, हम बीन्स ऐड कर रहे हैं, मशरूम और साथ में शिमला मिर्च। अब हम इसे लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे और 10 मिनट के बाद हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट पक गई है, पर इसमें थोड़ी सी देर और लगेगी, लगभग 2 मिनट। उसके बाद हम इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे। तो 2 मिनट के लिए हम इसे दोबारा से ढक देते हैं। सो गाइस, हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसमें ग्रेवी
ग्रेवी ऐड कर लेंगे। ग्रेवी के लिए हमने लिया है कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा पानी। अब हम इसमें लगभग हाफ स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, लगभग इतना। हम इसमें ज्यादा कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी सब्जी बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी। अब इस हम इसमें पानी ऐड करेंगे, लगभग एक बाउल से थोड़ा सा कम। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कॉर्नफ्लावर को, ताकि इसमें कोई लम्ब ना रह जाए। अगर इसमें लम्ब्स रह गए तो सब्जी में कच्चा टेस्ट आएगा। तो अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे सब्जी में ऐड कर देंगे। तो अब हम इसका फ्लेम तेज कर लेंगे, इसको थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा हमें, लगभग 3-4 मिनट और। तो अब हम इसे ढक देते हैं, और ढकने के बाद हम इसका फ्लेम दोबारा से कम कर देंगे। तो हम चेक कर लेते हैं, वाओ, सब्जी हमारी बनकर रेडी है। अब हम इसे कैसरोल में ट्रांसफर कर लेंगे और थोड़ा गार्निश कर लेंगे। तो सब्जी हमने कैसरोल में ट्रांसफर कर ली है। अब जो मसाले मैंने रखे थे वो हम इसमें ऊपर से डालेंगे, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये भुना हुआ जीरा। अब ये सब्जी हमारी रेडी टू ईट है, आप इसे देख सकते हैं। सो आप चाहें तो इस सब्जी को रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो पूरी के साथ, पराठे के साथ, पर हम आज इस सब्जी को चावल के साथ खाने जा रहे हैं। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।